हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम एक और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका मतलब उनका देखने का तरीका क्या था। तो ये सब हम लोग अलग अलग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन किस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्री साइड में जो लोग थे वो लोग क्यों ज्वाइन कर रहे थे। कंट्री साइड यानी कि जो विलेज के जो लोग होते हैं वो क्या कर रहे थे, इन कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ लाइक द पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो कंट्री साइड में जो गुजरात के जो पाटीदार्स थे, ये एक कास्ट होता है, और जो जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, वो लोग एक्टिव थे मूवमेंट में, ठीक है। वो लोग पार्टिसिपेशन एक्टिवली कर रहे थे। उनके साथ क्या था, बींग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि वो कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, बेचते थे क्रॉप्स उगा के। तो जब डिप्रेशन हुआ था, इकोनॉमिकल डिप्रेशन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ था, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुआ था उनको उनके बिजनेस में, है ना, क्योंकि सब चीज़ की डिमांड कम हो गई थी, तो प्राइस भी जो था वो कम हो गया था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, प्राइस कम होने की वजह से उनका इनकम ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो वो लोग गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो था वो पे नहीं कर पा रहे थे, रिवेन्यू। तो फिर क्या हुआ कि उनका ये डिमांड था कि उनका जो रिवेन्यू है वो कम कर दिया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यू। तो उनके लिए जो स्वराज का मतलब था वो ये था कि वो हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड वैन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बींग रिवाइज। लेकिन क्या हुआ था कि जब वो लोग स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो 1931 में जब गांधी जी ने वापस ले लिया था वो मूवमेंट बिना रिवेन्यू के रिवाइज्ड हुए, यानी कि रिवेन्यू कम नहीं हुआ ना बंद हुआ, तो ये चीज़ से उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वो लोग पार्टिसिपेट किए और उनको कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला, तो वो लोग क्या हुए, डिसअपॉइंट हुए बहुत। तो फिर क्या हुआ, जब गांधी जी ने 1932 में वापस से रीस्टार्ट किया ना मूवमेंट को, तो वो लोग क्या किए, वो लोग मतलब मना कर दिए, बहुत सारे उसमें से जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये इनकी कहानी थी, आगे देखते हैं। अब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी क्या कहानी थी, वो लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका रीज़न क्या था। तो द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रिवेन्यू डिमांड। तो जो पुअर पीजेंट थे वो उनका भी यही डिमांड था कि रिवेन्यू जो है वो कम हो जाए, और साथ में उनका जो स्मॉल टेनेंट्स थे, मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स यानी कि वो लोग जो ज़मीन को किराए में लेते हैं क्रॉप उगाने के लिए, उसको बोलते हैं टेनेंट्स। तो जो छोटे छोटे टेनेंट्स थे जो लैंड लेकर रेंट में लेकर कल्टीवेट करते हैं, तो वो लोग का भी डिमांड था कि जो उनका रेंट है वो कुछ दिनों का, जो वो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, वो मतलब बंद कर दिया जाए, मतलब वो ना लिया जाए। As the depression continued, small tenants found it difficult to pay their rent. उनको डिफ़िकल्टी हुई अपने रेंट पे करने में, दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट। तो वो लोग ये चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है वो रेमिटेड हो जाए, यानी कि वो ना लिया जाए, ठीक है। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू डेट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कंपेन। तो क्या हुआ, कांग्रेस जो थी वो ये जो इनका नो रेंट वाला कैंपेन था उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो डरती थी कि अगर वो स्मॉल पीजेंट लोग का जो डिमांड है वो फुलफ़िल करेगी तो नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा बड़े जो रिच पीजेंट्स हैं उन लोग का होगा, है ना, जो रिच है उन लोग का होगा, और लैंडलॉर्ड्स लोग का नुकसान होगा। तो क्या करेंगे वो लोग, जो रिच लोग हैं वो लोग कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करने लगेंगे। तो वो ये चाहते थे कि जो रिच लोग हैं, जो पीजेंट लोग हैं,
और लैंडलॉर्ड्स लोग हैं वो लोग कांग्रेस के साथ में रहे, ठीक है। तो वो लोग कांग्रेस जो थी वो उन लोग का साथ चाहती थी, इसलिए वो छोटे स्मॉल पीजेंट थे, उन लोग का डिमांड नहीं फुलफिल किए, क्योंकि अगर वो उनका करते तो नुकसान हो जाता रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का। अब देखते हैं बिजनेसमैन का, ठीक है। तो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, तो बिजनेसमैन को क्या करना, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, वो तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उत्सुक होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रगल में ज्वाइन हुए। क्यों? क्योंकि दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसी जो थी ब्रिटिश लोग की, कुछ पॉलिसीज क्या थी कि बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट करते थे, मतलब ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते थे वो लोग, ठीक है, इंडियन बिजनेस को। तो इसलिए ये लोग क्या चाहते थे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाए। दे वॉन्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। तो उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि ये जो इम्पोर्ट्स हो रहा है फॉरेन गुड का वो कम हो, ठीक है, इम्पोर्ट्स कम हो, ताकि ताकि वो लोग जो अपना बिजनेस है वो चला सके इंडिया में। और एक उनको एक स्टर्लिंग रुपी रेशियो चाहिए था, फॉरेन एक्सचेंज उनको रेशियो चाहिए था, ठीक है, कि इसी रेशियो में इंडियन रुपी का इतना तो फॉरेन रुपी का इतना, स्टर्लिंग जो है वो ब्रिटिश का करेंसी था, तो इतना इतना उनको एक्सचेंज होने का रेशियो चाहिए था। तो ये इनकी डिमांड थी। तो बिजनेसमैन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस, ठीक है, ये बनाया इन 1920। और एक क्या बनाया, द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग फिक्की बोलते हैं, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने फॉर्म किया उस टाइम 1927 में, ठीक है। तो ये जो फिक्की था वो उसके जो फॉर्मर जो थे, मेन जो थे वो कौन थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, ये दो लोग थे जो फॉर्मर माने जाते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। तो वो क्या किए कि जो कॉलोनियल कंट्रोल है इंडियन इकोनॉमिक पर, जो कॉलोनियल ब्रिटिश लोग का कंट्रोल है उसके, मतलब उसको हटाने के लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। तब मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड द ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश। तो बहुत सारे बिजनेसमैन ये देख रहे थे कि अगर स्वराज आ गया तो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो हैं बिजनेस करने पे वो हट जाएगा, और जो हम लोग का बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो फ्लोरिश करेगा, ठीक है, वो और बढ़ेगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, उसके फेलियर के बाद जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो उतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं दिखे, या उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, अब वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना रहे हैं, उसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनका स्वराज का मतलब क्या था, ठीक है। और कांग्रेस ने फिर इन दोनों में से किसको चुना, कांग्रेस ने चुना इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके अगेंस्ट में डिमांड कर रहे थे। तो कांग्रेस जो है वो साइड लेती है किसका, इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है, जो जो जिनका फैक्ट्री बना होता है, जिसका इंडस्ट्रीज जिसके इंडस्ट्रीज हैं उनका सपोर्ट करती है कांग्रेस। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन हाँ नागपुर रीजन में जरूर किया था, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ, मतलब कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के साथ में आने लगे, तो वर्कर्स लोग खुद ही साइड होते गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये इनके साथ है तो अगर इनके अगेंस्ट में ही डिमांड करेंगे वो तो फुलफिल होना ही नहीं है ना।
तो लेकिन इनका मतलब क्या था, इनको क्या चाहिए था? सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इनकी मांग ये थी कि हमको लो वेज मिल रहा है, हमको बहुत कम पैसा मिल रहा है, और जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, थोड़ा अच्छा कंडीशन उनको चाहिए था काम करने के लिए। तो ये जो इनका डिमांड है वो किसके अगेंस्ट में है? जिसका इंडस्ट्री है, जिसके अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। और जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो कांग्रेस के साथ मिल गए थे, ठीक है। स्ट्राइक्स भी हुआ था, देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स यानी कि जो शिप पोर्ट में जो काम करते हैं, पोर्ट्स में, ठीक है, शिप में सामान लोड करने का, अनलोड करने का। तो डॉक वर्कर्स जो थे उन्होंने भी स्ट्राइक किया 1932 में। इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधी कैप्स। तो 1930 में क्या हुआ कि छोटा नागपुर का जो टिन माइंस है वहाँ पर जो वर्कर्स थे वो गांधी जी के जैसा कैप पहने और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, रैलीज करना चालू कर दिए। बट द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड। तो लेकिन कांग्रेस तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के साथ मिली थी, तो ये क्या कि कांग्रेस ने इनको इनका डिमांड फुलफिल करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। इट फेल्ट डेट इट वुड एलिनेट। तो क्या लगा कांग्रेस को कि अगर हम इसका डिमांड करेंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अलग हो जाएंगे हमसे, ठीक है, तो हमारी पावर जो है वो कम हो जाएगी। अब ये लास्ट जो वुमेन की कहानी, तो वुमेन्स लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में, सॉल्ट मार्च में उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने में हेल्प किया था। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, तो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वॉज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेट फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत लार्ज स्केल में, ठीक है, सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लोथ वो लोग बॉयकट कर दिए, लिक्वर शॉप बंद करा दिए, ठीक है, मतलब उनका यूज़ करना बंद कर दिए। मैनी वेंट टू जेल, बहुत वुमेन जो थी वो जेल भी गई इन अर्बन एरियाज़। तो वुमेन जो थे वो कौन से क्लास के वुमेन जो थे जो पार्ट ले रहे थे, तो अर्बन एरियाज़ जो थे यानी कि सिटी का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या किए थे वुमेन, जो हाई कास्ट की फैमिलीज होती थी वहाँ के वुमेन पार्टिसिपेट किए थे, और जो रूरल एरिया जो गांव का एरिया है उसमें जो जो अमीर फार्मर्स लोग, पीजेंट लोग का फैमिली है उनके घर से वो वुमेन जो थी वो पार्ट ले रही थी। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमेन। तो वो लोग क्या सोचने लगे थे कि अगर हम नेशन के लिए सर्विस देंगे तो वो उनका एक पवित्र, वुमेन का जो है एक पवित्र ड्यूटी होगा, ठीक है, वो ऐसा सोचते थे वुमेन्स लोग। उनके साथ भी क्या हुआ, गांधी जी कन्विंस डैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। तो गांधी जी ये भी एग्री करते थे कि वुमेन लोग का मेन काम जो है वो अपने घर को देखना, चूल्हा चौका को देखना, अच्छी माँ बनना, अच्छी वाइफ बनना, ये काम है, ठीक है। लेकिन बहुत समय बाद भी एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि बहुत समय के बाद भी ना कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि कोई वुमेन को एक अच्छा पोजिशन दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये फिक्की का लोगो है, ये अपने पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है जो फॉर्मर हैं फिक्की के। ये जीडी बिरला हैं जो अभी भी बिरला जो कंपनी चल रही है वो भी, ये भी फिक्की के फॉर्मर थे, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, मैं एनसीईआरटी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, ठीक है। आई होप स्टोरी आपको पूरा क्लियर होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बस इसका एक दो टॉपिक ही बचा ये चैप्टर का, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बाय, टेक केयर।